दोस्तों अगर गलती से आपका फोन पानी में गिर जाए तो आप क्या करते हैं? भाई दूसरा फोन ले लेते हैं। अरे भाई दूसरा फोन लेने की जरूरत ही क्या है, उस फोन को सही करने की हम आपको ट्रिक बताते हैं ना। सबसे पहले जब भी मोबाइल पानी में गिरे तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस पानी से बाहर निकाल लें। अरे भैया जितनी ज्यादा देर आपका मोबाइल पानी में रहेगा उससे उतने ही ज्यादा उसके पार्ट्स में पानी चला जाएगा। अगर मोबाइल पानी में गिर गया है या बारिश के दौरान भीग गया है तो फोन का कोई भी बटन ना दबाएं। गाइस बटन दबाने से भीगे मोबाइल के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिससे फोन की मदरबोर्ड भी डैमेज हो सकती है। और अगर आपका फोन थोड़ा सा भी भीग गया है तो आप बालकनी या छत पर तेज धूप में सुखाने के लिए उसे रख दें। और गाइस इसका ध्यान जरूर रखें कि मोबाइल को इस तरह रखें कि उसकी स्क्रीन पर धूप ना लगे। 15 से 20 मिनट में आपका फोन पहले की तरह हो जाएगा और इसका पूरा पानी सूख भी जाएगा। और फिर सिम कार्ड को बाहर निकाल लें, साफ कपड़े से उसे पोंछ लें। और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब तक फोन पूरी तरह से सूख ना जाए तब तक उसके अंदर सिम ना डालें। गाइस इस बात का ध्यान रखें कि मोबाइल को सुखाने के लिए ड्रायर का यूज नॉट अलाउ। और गर्म हवा से फोन के प्लास्टिक पुर्जे और सर्किट गलकर खराब हो जाएंगे। और गीले फोन को माइक्रोवेव या ओवन में तो बिल्कुल भी मत रखना। गाइस कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि क्या आपका फोन पानी में गिरा है या नहीं गिरा, और अगर फोन गिरा है तो वो आपने कैसे ठीक किया। गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।